गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर हिंदी ऑनलाइन क्लास, सो बी रेडी फॉर दिस। टुडे वी विल रीड चैप्टर 25। हिंदी ग्रामर में आप आज चैप्टर 25 पढ़ेंगे। चैप्टर 25 का नेम क्या, देखिए वाक्य विचार, यानी वाक्य विचार में आप पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, वाक्य रचना, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देखिए वाक्य कैसे कैसे बनता है उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित शब्द संयोजनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। इन देखिए शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हैं, इनको आपको ध्यान से बता रहा है कि आप इनको पढ़िए और समझिए कि कैसे ऐसे भेद हैं इनमें। पूर्व से, पूर्व निकल से रहा सूर्य, महर्षि थे सुश्रुत आचार्य पाठशाला के, इस एक थोड़ी दूर थी पाठशाला तट से गंगा, है चल चला हल किसान रहा। यानी ये देखिए, ये आप चारों वाक्य पढ़ लिए हैं लेकिन इसमें क्या कुछ समझ में आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है और कर्म कहीं है, एक वाक्य क्रम में नहीं लिखा हुआ है, इसको अटपटा लग रहा है पढ़ने में। अब ख में देखिए, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, ये क्या है, देखिए अब ये गलत था लेकिन ये क्या है, सही है। इस पाठशाला के आचार्य महर्षि सुश्रुत थे, यानी ये भी सही है, ये गलत दिया था यहाँ पे। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी, यानी ये इसी का सही शुद्ध रूप है। किसान हल चला रहा है, यानी ये शुद्ध वाक्य है, ठीक, और ये क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, कैरियर वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में कई शब्द हैं परंतु इन्हें पढ़कर वक्ता या लेखक का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, यानी जो अ वाला वर्ग था उसको पढ़ने के बाद कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि ख वर्ग की पंक्तियों को सभी शब्द आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि वक्ता या लेखक की बात समझ में आ जाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिस शब्द पद अथवा पदों के समूह से पूरी बात समझ में आ जाए या जिससे कोई विचार प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी बता रहा है कि जिससे पूरी वाक्य समझ में आ जाए, कही हुई बात समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य, अगर शॉर्ट में पूछिए इन शॉर्ट आपसे कि वाक्य किसे कहते हैं, तो ये बताएंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यदि क और ख वर्गों में दिए गए शब्दांशों को जोड़ दिया जाए तो एक सार्थक वर्ग व पूर्ण वर्ग वाक्य बन सकता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर बन रहा है। अगर अकेले इससे देखा जाए तो भी कोई शब्द वाक्य नहीं बन रहा है, इससे भी देखा जाए तो भी कोई वाक्य नहीं बन रहा है। और देखिए अगला क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग हैं, देखिए दो अंग होते हैं, कौन कौन से, वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब कर्ता होता है, जिस जो कर्ता होता है आपके वाक्य का वही उद्देश्य होता है, वाक्य में जिसके भी विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे कर्ता उद्देश्य हो गया तो उद्देश्य के बारे में ही तो आगे वाक्य में बोला जाएगा, तो वो क्या होता है आपका, विधेय होता है। अब उद्देश्य व विधेय को अच्छी प्रकार समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए। देखिए उद्देश्य और विधेय, मोनिका ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, ये देखिए दिया है। अब ये कर्ता कौन है, ये इसमें मोनिका है, ये क्या है, कर्ता है, और ये सारा क्या है आपका, ये विधेय है। दोनों बच्चे वहाँ फिर ना दिखाई दिए, गांधी जी ने देश के लिए बलिदान किया, हमारा देश संसार में सबसे सुंदर है, माली बगीचे में पानी दे रहा, यानी ये सारे क्या हैं, ये उद्देश्य हैं, यानी वाक्य के कर्ता हैं। और ये देखिए क्या दिया है, आपने वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के संबंध में पढ़ते समय यह भी सीखा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कर्ता, उद्देश्य या कर्ता एक ही चीज़ होता है, तो कर्ता के बारे में ही तो कुछ कहा जाता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं या कर्ता कहते हैं। उद्देश्य का एक अन्य अर्थ लक्ष्य या प्रयोजन भी होता है। आगे देखते हैं, देखिए दिया है वाक्य के भेद, वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है, वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्य को प्रकार देखिए, आठ प्रकार के अर्थ होते हैं अर्थ के आधार पर, पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है विस्मयादिवाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के विन्यास हैं, यानी भेद हैं। पहला है देखिए, विधानवाचक वाक्य को किसी को कहते हैं, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने का या करने का बोध हो उसे विधानवाचक, यानी कोई बात हो रही हो या कार्य हो रहा हो तो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे
वह आया, आने का काम ही किया, ठंडी ठंडी हवा चले, हवा चलने का भी तो काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, वो भी तो फहराना भी तो एक काम ही है। अगला है निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के या कार्य के न होने या न करने का बोध होता है, जैसे हमने मना कर दिया किसी चीज़ को करने के लिए, उसके में क्या होता है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह नहीं आया, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, इसमें नहीं मिलेगा आपको, मैं कुछ न कर सका। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा प्रार्थना या उपदेश का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, अभी मत आओ, हम किसी को आज्ञा दे, जैसे किसी को बोले कि तुम ये करो ये मत करो, इस टाइप से ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा, हम जैसे किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको क्या डर है, हमें कौन रोक सकता है, रमन साहब आए हैं, अब दौड़ की क्या आवश्यकता है, वह क्या कर रहा है, बाहर कौन है, विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए विस्मय जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जाए, विस्मयादि हो जाए, जिस वाक्य से विस्मय हर्ष शोक घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी विस्मयादि यानी सरप्राइज हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, वाह कैसा सुंदर स्थान है, आहा तुम आ गए, अरे यह क्या हुआ। इच्छावाचक, इच्छा मतलब हमारी जो मर्जी से अपने जो करें, ऐसे वाक्य में इच्छा शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो, आज तो कोई जूस पिला दे। अगला है संदेहवाचक, संदेह यानी इसमें कंफर्म नहीं होगा, कुछ दुविधा रहेगी, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, हो सकता है जाना है कि नहीं है ये श्योरिटी नहीं है, मे बी तुम्हें जाना पड़ जाए, शायद आज वर्षा हो, कन्फर्म नहीं है लेकिन हो भी सकती है। देखिए यहाँ पे दिया संभवतः आज बारिश हो, यानी संभवतः हो सकती है, कन्फर्म नहीं है कि नहीं होगी ही बारिश। अगला देखिए संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात पर कार्य होने या न होने पर निर्भरता से संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता, यानी एक बात का परिणाम बता रहा है कि अगर वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता, अकाल पड़ जाता। तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, यानी अकेले मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन अगर तुम चलते तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, चल सकता था। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ अभी आपने अर्थ के आधार पर पढ़ा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार बताया, 8 प्रकार बताया। अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आश्रित वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, देखिए जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय का मतलब अभी आपने पहले पढ़ा है, यानी एक ही करता हो और एक ही कर्म हो क्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे महेश 6ठी कक्षा में पढ़ता है, महेश ने खाना खाया, प्रियंका फुटबॉल खेल रही है। उपरोक्त वाक्य में एक करता उद्देश्य और एक एक विधेय ऐसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाते हैं, यानी एक में करता भी एक ही विधेय भी एक ही तो ये साधारण वाक्य कहलाते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल एवं स्वतंत्र वाक्य विभिन्न योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आशीष स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, वह चला तो गया परंतु रास्ते से लौट आया। उपर्युक्त 2 स्वतंत्र वाक्य और परंतु योजकों समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े हुए हैं, इस प्रकार जोड़े गए वाक्यों से बना एक वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य देखिए क्या है, मिश्रित वाक्य में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला है गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, यानी गोपाल ने ये किसी, इसमें 2 होगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, हम जानते हैं कि आज वे नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। अगला है देखिए उपरी वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हैं, वाक्य में गोपाल ने पूछा प्रधान उपवाक्य है और तुम कहाँ गए थे आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि दूसरा उपवाक्य पहले पर निर्भर है। वाक्य ख में हम जानते हैं कि प्रधान उपवाक्य है और बाद के दोनों उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है, ऐसे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह प्रधान उपवाक्य आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। यानी जैसे पहला जो है वो दूसरे उपवाक्य के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा, आश्रित होगा, यानी कंप्लीट नहीं हो सकता, एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य नहीं कंप्लीट हो सकता है। देखिए अगला है वाक्य रूपांतरण, वाक्य को बदलते कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी बात को अनेक ढंग से व्यक्त किया जाता है, किसी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है, यानी हम एक बात को किसी तरीके ही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। रूपांतरण के वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न हो इस ओर ध्यान देना आवश्यक है,
यानी हम वाक्य को चेंज कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए सरल वाक्य में क्या है, मेरी माँ के पास एक सुंदर हार है, यानी बता रहे कि मेरी मम्मी के पास एक सुंदर हार है। संयुक्त वाक्य में मेरी माँ के पास एक हार है और वह सुंदर है। वाक्य में संयुक्त वाक्य में और वगैरह लगा के और बनाते हैं। और मिश्रित वाक्य में देखिए क्या दिया है, मेरी माँ के पास जो हार है वह सुंदर है, यानी एक वाक्य को सरल भी बताया, संयुक्त भी बताया और मिश्रित भी बताया। ऐसे ही वाक्य को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी चेंज करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और इसका एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।